आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। यही था कि पिक्चर मिल जाए तो वही बड़ी बात है कि पिक्चर मिल गई। नाउ इट्स आई मीन जो कुछ भी कंटेंट बाहर डाला आई थिंक द रिस्पांस हैज बीन पॉजिटिव। तो यू नो आई वुड जस्ट लाइक दैट पीपल सॉर्ट ऑफ फॉलो अप ऑन दैट और जाकर थिएटर में देखिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नया एक्टर है, नया डायरेक्टर है, नया DOP है, and if the audience doesn't support young talent then nobody will, so please go watch the film. सबसे बेस्ट मोमेंट सनी देओल के साथ आई थिंक जो 2.5 किलो का पंच मुझे पड़ा वो वाज प्रोबेबली माय बेस्ट मोमेंट बिकॉज यू नो ग्रोइंग अप मैं बहुत बड़ा फैन था सनी सर का, so to do an action scene with him and to get punched by him it was a dream come true. आपको भी 2.5 किलो का पंच पड़ा? जी, काफी बार। ओके सर, सो आपको कैसा लग रहा है, लाइक हाउ आर द फीलिंग्स? बस मूवी कुछ देर में रिलीज, बस परसों रिलीज होने वाली है, तो आपका फर्स्ट थॉट क्या आता है इस मूवी को देख के? द फर्स्ट थॉट व्हिच स्ट्राइक्स यू आफ्टर सीइंग द मूवी ourselves? यस, आई थिंक पर्सनली वी हैव लॉस्ट पर्सपेक्टिव। इतनी बार एडिट पे देखा है, इतनी बार साउंड डिज़ाइन में देखा है, हर जगह देखा है, बट जो आसपास लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि अच्छी पिक्चर है। So I think because of that, I think we are proud of it. I think we've all done a good job, and more than a good job, I think we've all worked very, very hard. So the best funny moment Sunny Deol ke saath? Actually, there are so many with Sunny sir because, contrary to his belief of being angry and stuff, I think he's a very funny man, continuously cracking jokes, and we would pick on Karan a lot just for fun. But yeah, I think overall it was a great experience working with Sunny sir. Lot of fun and lot of energy on set, so I think that was a great moment. Thank you so much, sir. Now I'll open up the questions from the media side. So let's start. मेरा सवाल है कि चुनाव सरकार को और जो फिल्म बनाई है उनमें जिस तरीके से आपने दिखाया है खास कम्युनिटी को एक सिंबॉलिक तरीके से आपने दिखाया है कि उसमें टोपी भी है, कलमा भी पढ़ते हुए दिखाया और जन्नत का जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है, आपको नहीं लगता कि चुनाव में कहीं ना कहीं वोटर जो है वो पोलराइज हो सकता है और ये चुनाव पड़ेगा? So you can take the mic. Sir, actually क्या हो गया कि पिक्चर अब चुनाव के टाइम रिलीज होने वाली है, वो हो गया है। एक्चुअली पिक्चर लास्ट ईयर रिलीज होने वाली थी, फिर 11 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी और फिर अब रिलीज़ हो रही है। फॉर वट एवर टेक्निकल रीजन वी हैड टू डिले द फिल्म। कभी कभी डेट्स नहीं मिल रहे थे, बड़ी पिक्चर आए जा रही थी। सो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वी आर नॉट टारगेटिंग एनी कम्युनिटी, we are not targeting any religious sentiment. It is just that we've put it in the film, we've treated it like a film, and eventually when you see the final product then you tell me as to how that will affect. उसमें जो आपने दिखाया कल मैं सुना कि देखी उसमें जो दिखाया कि जो दो चीजें उसमें नजर आती हैं जो हर एक कैरेक्टर में है कि वो सिस्टम से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था, उसकी वजह से उसको वहां जाना पड़ा। तो सिस्टम का फेलियर है या जो जन्नत का जो है कॉन्सेप्ट आपने दिखाया इस फिल्म के लिए क्या कहना चाहते हैं? इट इज़ मोर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत और सिस्टम का फेलियर, वो अलग बात है। इट इज़ जस्ट दैट हाउ दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, ये लोग ये इस्तेमाल कैसे करते हैं रिलीजन को गलत तरीके से, बच्चों को भड़काते हैं, विच इज़ द फैक्ट। इट इज़ अ ब्रेन वॉश थिंग। जैसे मैंने किसी को कहा था कि 25 दिसंबर को सब बोलते क्रिसमस होगा, जब सुबह उठोगे आपके ट्री के नीचे गिफ्ट्स होगी, सबको बताया जाता है। मैंने भी सांता क्लॉज में बिलीव किया है। 10 साल का हो जाता हूँ, मेरा बड़ा भाई या दोस्त बोलता है अरे यार सांता क्लॉज है ही नहीं। नाउ इमेजिन अ 2-year-old चाइल्ड इन द सेम सिचुएशन लिविंग एंड ब्रीदिंग इन अ कैंप लाइक दैट। उसको कोई 10 साल की उम्र में बताना नहीं है कि देयर इज़ नो सांता क्लॉज, उसे वही सिखाया जाता है। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉश दैट वी हैव डेल्ड इनटू एंड हाउ पीपल यूज रिलीजन, एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजन टू imbibe that in children. तो वो हमारा कॉन्सेप्ट था, that is our takeaway from the film, not that we are pointing a finger at anybody. Next question. मूवी में सर हमने कहा देखा कि इसमें कि एक उग्रवाद जो है कि आतंकवाद एक नया धंधे के रूप में मतलब दिखाया गया कि ये धंधा है, तो इसके ऊपर क्या आपने कुछ मटेरियल वगैरह स्टडी किया है, कैसे आपने? एक्चुअली हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है और थोड़ा बहुत स्टडी भी किया है। At the end of the day, it is a business. लोग पैसे बना रहे हैं, people are causing this sort of havoc in the world, and we've made it very explicit that terrorism is a form of business. They use different methods to propagate it, but it's actually business. तो कोई death calls आएंगे अभी। इसका पिक्चर का नाम है ब्लैंक, इससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं ब्लैंक? तो बेसिकली ब्लैंक एक दोस्त ने सजेस्ट किया था और जब हम इसके कैरेक्टर को देखें तो इसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक है और जब पुलिस या ATS इसको पकड़ती है वो भी ब्लैंक थे उसके आसपास, समझ में नहीं आता कि इस बंदे के साथ करे क्या. एंड दैट इज़ द फिल्म वाइज. रियलिटी में एज राइटर्स इवन वी वर ब्लैंक कि भाई क्या लिख रहे हैं. तो आई थिंक ब्लैंक इवेंचुअली चिपक गई हमारे साथ एंड बस अभी वही टाइटल रह गई है. हाँ वही है, अभी ऑडियंस फील करेगी बस, वो होप है. सर मेरा सवाल आपसे, कल सर आपने सिंगल सैंगल काम किया, उन्होंने बॉलीवुड में अपनी भूमिका बड़ी जबरदस्त निभाई है और अब जब वो पॉलिटिक्स में आ गए वहाँ भी जबरदस्त निभा रहे हैं, तो आपको उनके साथ काम करके किस चीज़ की टिप्स मिली? एक्टिंग की टिप्स मिली कि चुनावी टिप्स मिली? मैं चुनाव के लिए खड़ा तो नहीं हो रहा हूँ, चुनाव की टिप्स लेकर क्या करूँगा. और यू नो एज फार एज एक्टिंग टिप्स आर कंसर्न, आई थिंक सबका अप्रोच अलग होता है. यू नो जो सनी सर के लिए काम करता है नेसेसरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी काम करे और इट अप्लाइज टू मी. तो ऐसे मैं कभी किसी से एक्टिंग टिप्स लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरा अलग ही अप्रोच है, तो मैं अपनी तरीके से करता हूँ. बट इट्स अदर थिंग्स कि अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं सेट पर, यू नो पंक्चुअलिटी, हमेशा टाइम पर आना, हाउ टू बी अ गुड प्रोफेशनल, ये सब चीज़ें सीखी रादर देन जस्ट टेकिंग एक्टिंग टिप्स. नहीं सर, वी आर नॉट मिक्सिंग द टू एट ऑल. जो पिक्चर है वो पिक्चर है एंड ऑल द बेस्ट टू सनी सर फॉर हिज इलेक्शंस. दैट इज अ सेपरेट सिनेरियो, दिस इज अ सेपरेट सिनेरियो. मैं कुछ और ही बोलने वाला जाने वाला अगर वो रिप्लाई देना नहीं, सेम जवाब. सॉरी हाय करण, राजेश फ्रॉम दिल्ली हैं. हेलो, मेरा सवाल ये था कि आपको पहली मूवी है कैसे की और पहली मूवी के अंदर एक नेगेटिव रोल भी एक सोसाइटी बॉम्बर, तो आगे आपको ऐसा नहीं लगा कि इसको करने के बाद एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी बॉलीवुड के अंदर आने वाले जितने आपके प्रोजेक्ट्स हैं? सर पिक्चर ही नहीं मिल रही थी तो मतलब उस हिसाब से फिर पिक्चर ही नहीं करनी मिलती, तो मुझे जो मिला वो मैंने ले लिया. मेरी ये खुशनसीबी और गुड लक है कि जो अपॉर्चुनिटी थी, जो स्क्रिप्ट था वो बहुत ही यूनिक और अच्छा था और बेजाद अटैच था जिसे मैं कई सालों से जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लक एंड अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. सर आपने भी कहा कि 2.5 किलो का हाथ आपको पड़ा, लेकिन कल जो स्टेज पे कह रहे थे वो देश के दुश्मनों के लिए 2.5 किलो का हाथ इतना उल्लेख करके, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले पॉलिटिक्स में आप साथ अपने मूवी किए कि अच्छे पॉलिटिशियन साबित होंगे एज एन एक्टर? I mean, वो तो मुझे पता नहीं, बट आई लाइक ही सर आई जस्ट विश हिम गुड लक. अभी वो अच्छे साबित होंगे कि नहीं, इट्स नॉट फॉर मी टू से और डिसाइड. तो the reason behind that character is to humanize the ATS chief. When you humanize him, show him a little depth and basically show that he is quite pin straight. Agar ghar mein bhi galti ho to jo galti karega wo bhugtega. That was the kind of approach that Sunny sir's character had. Yeah, it was basically to show that he is a man of principles, whether he is on duty or off it. Basically. I have a question for you. I'm from Downtown. Your co-stars Sunny Deol and your aunt Bindu share a different equation on the screen, right? So was Sunny a little bit paternal towards you on the set? It has more to do with my mother being his costume designer for almost 20 years. So yeah, I think that has more to do with it. Like I said, she worked with him for a really long time, almost 2 decades. She was loyal to him in terms of her work, even through her illness, and you know, obviously with that he has seen me grow up, so there is that paternal instinct. But at the end of the day, we're all actors, and on set we're nothing but professional towards one another. So it's not anything like, you know, we're like a family just hanging out, eating sandwiches. But I think he's like that towards all young actors. I think that concern towards Karanveer when he was doing scenes with him. Ishita as well. Huh? Towards me also. Towards Bezad also, because he's also a new director. So he was like that. All of us were young, relatively, you know, early on in our careers. So I think he was like that with all of us, not just me. Thank you. Thank you. Hello sir, just this side from my group. We have created a special edition of BLANK. Thank you. Sir, basically not only Sunny Deol, we have seen Akshay Kumar with you also for a song Ali. So not with only Sunny Deol, how was your experience with Akshay Kumar sir? No, it was incredible. You know, I sang this film in 2016, and that time, you know, it was just Bezad, Pranav, me, Tony, and Vishal who were attached to it. There was no studio. So now, 3 years later, the fact that there are these amazing studios on board in Carnival and Z, also the fact that Sunny sir came on board, I think a year and a half after I signed the film, and then Akshay sir. So it's an incredible feeling. It's really overwhelming. When I signed it, we thought it was going to be a small film, but as things have it and the way things have panned out, it's turned into something else, a little bigger than that. So I'm grateful, and I just tried to take in every moment of it, and it was a dream come true for me to work with such experienced actors. Thank you so much. That was a very indeed wonderful session. I will invite the last question from the media now. Karan sir, you just said that you have lack of opportunity. So what is your dream role? I don't have a dream role. I have a dream job, and that's what I'm doing. So there's no dream role that I have in mind. I'm open to doing all kinds of genres, all kinds of roles. So I just want to be open to everything. I just want to be a part of good content. I don't have anything specific in mind कि ये करना है या ऐसा ही करना है. I'll see what comes my way, and if I think I can contribute something meaningful to it, then I'll do it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. नहीं, जैसे कि मैंने कहा 2 साल का समय था प्रिपेयर करने के लिए, तो जो कुछ भी मुश्किलें थी वो 2 सालों में सब निकल गई. यू नो, जो भी क्वेश्चंस थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, मैंने बेजाद के साथ डिस्कस किए. काफ़ी सारे डिस्कशंस रहे इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ द फिल्म. तो ये जो 2 साल का समय था वो बहुत ही बेनिफिशियल था, ना सिर्फ मेरे लिए बट फॉर बेजाद एंड ऑल ऑल्सो, जस्ट सो दैट वी कुड प्लान एंड गो इनटू इट कम्प्लीटली रेडी. थैंक यू सो मच. नो मोर क्वेश्चंस नाउ. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. Let's wish best of luck to both of them and their complete entire star cast. Thank you so much. So please put hands together and wish them best of luck. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.